दोस्तों ये सही बात है कि 2014 में जो चेतना की चिंगारी समस्त विश्व में और ज्यादा करके जो भारत में आई, सनातन की जो चिंगारी है, हिंदू राष्ट्र की जो चिंगारी है, धर्म की अधर्म की लड़ाई की जो चिंगारी है, वो चिंगारी जो है वो हमारी चेतना में नरेंद्र मोदी ने जगाई है। और आज ये चिंगारी जो है एक आग बन चुकी है जो हम सबके सीनों में जल रही है। हम जो हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही जो भाव है वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर आप सब राम की सेना है, उसमें मैं भी राम सेतु की एक गिलहरी हूँ। दोस्तों किसी का भी सहयोग इस पार्टी के लिए कम नहीं है और हम सब का सहयोग मान्य रखता है। आप और मैं, हम लोगों का अपना कोई अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। हम सब नरेंद्र मोदी हैं, हम सब उनकी चेतना, उनकी त्याग और उनके चरित्र का एक अंश है। हम लोग लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए लड़ेंगे, हम लोग उनके भारत की विकास की योजना के लिए और उनका जो मकसद है और उनकी जो योजना है हम उसके लिए लड़ेंगे। आज के बाद मेरा, जैसे मैंने जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने कहा था कि मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैं भूल चुकी हूँ कि मैं क्या हीरोइन थी या मैं कितनी बड़ी हीरोइन थी या मेरे आगे पीछे कितने लोग मेरी सेवाएं करते घूमते थे, मैं वो सब भूल चुकी हूँ। मेरे आज कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा एक ही अस्तित्व है और वो है भारतीय जनता पार्टी। आप सब मैं हूँ और मैं आप सब हैं, हम लोग एक हैं, हम लोगों में कोई भी असमानता नहीं है। दोस्तों इसी कार्यक्रम के लिए और इसी एक मकसद के लिए हम सब जुड़े हैं और अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी लड़ाई है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो तय हो गए हैं और हम लोगों ने तो प्रत्याशी घोषित कर भी दिया है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, कांग्रेस का जो ग्रुप है, उन्होंने अभी तक प्रत्याशी भी बताया नहीं है, लेकिन उनकी कुनीतियां शुरू हो गई हैं, उनकी कपटी राजनीति शुरू हो गई है, शुरू हो गए हैं उनके अधर्मी काम।